लेकिन झंडा नहीं लहरा है किसी ने, वो है एक झंडा लहरा रहे, एक झंडा है, झंडा मतलब कच्चे बनाए। अच्छा यहाँ से क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, जो चाहिए था वो नहीं मिला, यहाँ से परचेज भी करते थे यार, मजा ही आ जाता है भाई। किसी को लेना सिंगापुर आके सैमसंग के लो फोन, पूरे सिंगापुर में कहीं पे भी मिल नहीं रहा है इस टाइम पे फोन। कवर सस्ता लेंगे, महंगा फोन लेंगे, कवर सस्ता लेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर सिंगापुर फर्स्ट डे। कल तो आए थे, रात को मैंने बताया था ग्रोसरीज वगैरह ली थी, हमने मस्त खाना खाया था और सो गए थे। सुबह भी हम बेसन लाए, इतने दिनों के बाद बेसन का चिल्ला पूरा मन भर के, और सच बता रहा हूँ अपने वहाँ के और यहाँ के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया ना, तो वो चीज़ जो तसल्ली मिलती है ना खाने की, जो मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना खाने के बाद अपना, वो आप बाहर का जितना मर्जी खा लो वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। और ब्रेकफास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है ना, उसमें अगर आपको अच्छा खाना मिल जाए ना तो यार बस और कुछ नहीं चाहिए, तो दिन भर पता है दिन अच्छा कट जाता है। हमने नाश्ता बहुत मस्त किया हुआ है, तो वैसे आज थोड़ा सा ऑब्वियसली लेट हो गया हम, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठे थे, क्योंकि यार सिंगापुर में हमने ज्यादा दिन लिया है, हमारा रहेगा तो थोड़ा रिलैक्स ट्रिप रहेगा, दिन में हम दो तीन जगह घूमेंगे ताकि हम शाम को भी टाइमली आ जाए यहाँ, कोई जैसे शाम को घूमना तो दिन में लेट निकलेंगे ऐसा है। तो आज का प्लान है कि आज हमें एक चीज लेनी है बड़ी अच्छी, वो दिखाएंगे आगे क्या लेना है, अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और जाएंगे अभी पूरा दिन दिखाते हैं हम आज कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो दिखाते हैं आपको, ब्लॉग जरूर करेंगे। एंड यस, अभी खुशबू नहाने गई है, मैं इसके बाद जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली एक घंटे तक निकलते हैं। चल डे वन इन सिंगापुर, पर वैसे आए हुए हैं तो इस जगह से फेमिलियर हैं, ऐसा नहीं है कि जगह को नहीं जानते, बट इस बार अलग एक्सपोजर होगा क्योंकि ये हनीमून, आजा रुपए का हनीमून के बाद ही हमारा फर्स्ट ट्रिप था, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। हाँ हमें सिंगापुर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही आ गया और कुछ नहीं आ गया। हमारे निकलते ही मुश्किल से इस स्ट्रीट के एंड में ही हमारे को वो मिल जाएगा, मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, हम गए नहीं अभी, जाके पता चलेगा। बाकी हमारे यहाँ पे बस स्टॉप्स बहुत हैं, बस एकदम सामने से निकलती है, इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस मिल जाती हैं आराम से, तो उसके लिए भी पास वगैरह हम सोच रहे हैं एक बनवा ही लेंगे, वो MRT वाला जो मेट्रो वाला है शायद वही चल जाए। एंड एक ये देखो बिल्डिंग यार, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कितनी ऊँची है और क्या जबरदस्त बनी हुई है, यहाँ पे सारा रेजिडेंशियल एरिया ही है। वैसे यहाँ जाओ या दुबई, आपको बिल्डिंग एक से एक देखने में, एक से यही ब्यूटी है। सिंगापुर क्या, सिंगापुर ना शहर बहुत छोटा है, हमारा ये दिल्ली से भी छोटा है सिंगापुर, पता है, और ये पूरी जो सिटी है ये कंट्री है अपने में एक, तो ऑब्वियसली इन्हें इसे डेवलप्ड बनाने में और सब करने में बहुत आसान भी है, इसीलिए अभी बस मेट्रो स्टेशन ढूंढना है, अभी मिला नहीं है अभी तक, आगे होगा मेरे ख्याल, क्योंकि वैसे गूगल पे देखा था मैंने तो अराउंड 650 मीटर्स है, मतलब 7-8 मिनट्स वॉकिंग है, तो अभी निकले 3 ही मिनट हुए हमें। बट हम जब 2014 में आए थे ना, तभी यहाँ ट्रेंड था दैट दे वर मोर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन मोबाइल, मतलब टैप पे, स्मार्टफोन्स पे, एंड वी यूज टू, मेरे को बहुत अजीब लगता था कि यहाँ सब लोग फ़ोन पे ही क्यों रहते हैं, बट दैट इज़ हाउ इवन व्हेन हम लोग डेवलप्ड हो गए, अब जैसे जिस तरह से स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं, ये 2004 हम भी तभी यूज़ करना चालू कर दिया था, बट इतना वाईफाई कनेक्शन नहीं था जितना यहाँ पे था उस समय। सो वो एक चीज़ मेरे को देखते हैं अभी अजीब लगती है कि पहले हम इन्हें देखते होते थे कि इन लोग, और हमने घर जाके बात भी की थी, तुम्हें याद है ना, तो पर अब हम भी तो सेम ही हैं, बट इट्स नाइस, वेदर बहुत अच्छा है। हाँ वैसे तो यार इधर भी बारिश ही चालू है, हाँ। तो अभी कल जैसे हमें रात को बारिश मिली थी, अभी आज सुबह से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और काफी अच्छी हवा चल रही है, बट अभी तो बारिश नहीं हुई, लेकिन देखो देखियो बिल्डिंग अंदर से कनेक्टेड है, वही तो रिकॉर्डिंग ऑन ही है, दिखा दे। सो देखिए किसने कपड़े भी सुखाए हुए, दो टीशर्ट सुखाई है, हाँ सबने सुखाया हुआ, वहाँ पर भी तो है, लेकिन झंडा नहीं लहरा है किसी ने, वो है एक झंडा लहरा रहे, एक झंडा है, झंडा मतलब कच्चे बनाए। अच्छा
ये खुशबू तो लिटरली झंडे समझ रही थी तो लहराया हुआ था इसीलिए तो समझा। खुद ही बोलती है ये झंडे लहराते हैं घरों के बाहर, मुझे नहीं पसंद। वो मैंने पापा से लिया, पापा को नहीं। तो चलो यार, यहाँ झंडे लहराओ यार। यहाँ तो बाहर कितनी बड़ी बड़ी पौधे क्यों। हाँ ये तारे करके ये देखो तो मैं जूम करता हूँ। अच्छे पेस्टल कलर्स हैं यार। तो ये देखो ये घर है और जैसे तारे बाहर बाहर तक कर दी एंड कपड़े सुखा रहे हैं इधर, ये झंडे लहरा रहे हैं, इसे बोलते झंडे लहराना। बट ये इनके कपड़े कहीं जाएंगे नहीं, पता नहीं। और तीन तीन टॉर्चर ये अंदर कैसे करते होंगे। अरे वो घूमता होगा ना, कुछ तो हो गई। हाँ पेस्टल कलर करे हुए हैं, जैसे ये वाली पुरानी, इधर वाली ये पुरानी बिल्डिंग है बट ये पेस्टल कलर्स करे हुए हैं ना, तो अच्छी लग रही है। हाँ चलो यार पहले मेट्रो ढूंढते हैं। तो जो चीज़ चाहिए थी वो तो मिली नहीं और कट गया। कटा क्या मतलब यार, वो कह रहे वर्ल्ड वाइड ही अवेलेबल नहीं है, सो वी वर लुकिंग फॉर 14 प्रो मैक्स। यहाँ पर कॉस्ट वगैरह अगर मिल गया तो ज़रूर बताएंगे, अभी खैर पहले हम देख रहे हैं। तो स्टोर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ये तो अभी हम लोअर लेवल पे हैं, अभी यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे ना, वो देखो पीछे स्टेयर्स हैं, वहाँ से ऊपर जाएंगे तो तब देखना, तब पता चलेगा। एंड बहुत अमेजिंग स्टोर बनाया हुआ है इनके, यहाँ पता अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन जो चीज़ अभी हमें चाहिए वो मिली नहीं है, सीधी बात ये है। ये इनकी क्रिएटिव वॉल है, यहाँ पे इनके जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह सब होते हैं। और ये व्यू देखो आप जिस बार, दिस इज द बे एरिया। हाँ वो एग्जिट है, वहाँ से वापस नहीं आ सकते। ये पूरा बे एरिया जो डाउनटाउन एरिया है इधर का, ये सिंगापुर क्रीक, वो सामने देखो मरलायन, ये देख मरलायन सामने दिख रहा, देखा। अरे ये इधर है। सो ये जो आप देख रहे हो ये मरलायन है यहाँ का, जो काफ़ी फेमस सिंगापुर का सिंबल है और सब लोग वहाँ फ़ोटो खिंचाने जाते हैं। खाली पड़ा है, वो जो देख रहे हो वो सिंगापुर फ्लायर है। मैं कुछ पुरानी फ़ोटोज़ अपनी ज़रूर निकाल के डालूंगा जब हम पहले आए थे 2014 में। एंड ये जो दिख रहा है आपको ना, ये लोटस था, ये आर्ट साइंस म्यूजियम है, यहाँ पर अभी हम जाएंगे देखने वो। एंड यस ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त इधर से व्यू आ रहा है, यहाँ से क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। जो चाहिए था वो नहीं मिला, यहाँ से परचेज भी करते थे यार, मजा ही आ जाता। सो ये वाला फोन हमें चाहिए जो कि नहीं मिला। गोल्डन अच्छा लग रहा है तेरे को, वाइट और गोल्डन ठीक है या रेड? रेड रेड प्रो मैक्स में नहीं आता, प्रो मैक्स में वाइट गोल्ड ब्लैक और ये पर्पल। तो अब देख रहे हैं कौन सा अच्छा लगता है। तो यार कहीं दूसरी दुकान पे पता तो करा है जहाँ पे मिल रहा है, तो अब चल के देखते हैं कि वो वहाँ पे बात बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एग्ज़िट करने के लिए भी आप ये देखो, ये पूरा है यहाँ पे एग्ज़िट करने का स्टोर, यहाँ से आप पूरा देखो। ये सामने जो तीन बिल्डिंग दिख रही हैं वो मरीना पे हैं, जिसमें आदित्य रहा हुआ है। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? काफ़ी ऊपर रहते हैं, काफ़ी ऊपर रहते हैं।
मतलब टॉप से तीन चार फ्लोर ही नीचे थे बस। सच में यार तू बहुत लकी है आदित्य। ये एग्जिट है यहाँ की और पूरा आप बाहर निकलते हो और ये पूरा सिंगापुर डाउनटाउन, सिंगापुर की स्काईलाइन जबरदस्त मिल रही है यहाँ पे। वो आपको दूर दिख रहा होगा पैन पैसिफिक, वहाँ पे हम रहे थे। सॉरी फॉर द विंड नॉइज, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा विंड नॉइज तो जरूर आएगी आएगी। हाँ ये जो पैन पैसिफिक दिख रहा है ना मैंडरिन ओरिएंटल के पीछे, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये कोई वो है स्टूडियो है या पता नहीं वो कोई कॉन्सर्ट हॉल टाइप है वो, एंड बहुत ज़बरदस्त है। इधर जो है ये इस पे ना बोटिंग होती है, वो एक बोट चल भी रही होगी आपको जब दिख रहा होगा। ये हमने की हुई है ना, ये हमने करी थी, हमने रात को क्लार्की से कई जगह से चलती है, यहाँ से भी चलती है। और यहाँ पे क्या है कि इधर रात को भी हमने तब वो रात को करी थी जैसे ही पहुंचे थे तब। हाँ सो ये पीछे से इसकी बिल्डिंग है, रात को ये और मस्त इसकी लाइटिंग लगती है, एक दिन रात को भी आएंगे। ये देख लो एप्पल स्टोर एंड दिस इज मरीना पे। तब अब ये तीनों में से फर्स्ट टावर में रहे थे और हम रूम से बाहर निकलते थे तो बाहर से इधर का पूरा व्यू था हमारे को, और हमारे रूम से बैक साइड का व्यू था जहाँ पे गार्डन बाय द बे और हार्बर वगैरह सब है, वो व्यू था। फाइनली जो चीज़ लेनी थी वो मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, तुम फालतू बोला मैं। अच्छा ये बहुत चालू है कि मैं अपने आप को गिफ्ट की, मैं अपने पैसे जोड़ के सारा कुछ लेके आई और मुझे कहते हैं कि ये मैंने तुझे गिफ्ट दिया है। मतलब जो महंगी चीज़ है वो पति ही गिफ्ट कर सकते हैं, खुद ना वो इंसान ले सके। ये आदमियों की ना मेंटालिटी बड़ी बकवास है, ऐसा ही होता है। और कहते हैं तू तेरा मोबाइल जब मैं लूँगा ना सैमसंग का तो तू मुझे गिफ्ट करियो। ऐसे ही होता है यार। मैंने इधर देखा सैमसंग का जो जो लेटेस्ट फोल्ड 4 जो लेटेस्ट आया हुआ है यार, इंडिया में अपना कम से कम नहीं तो वो 1.6-1.7 लाख का यार। यहाँ मैंने पता करा यहाँ 1 लाख के अंडर है भाई। किसी को लेना सिंगापुर आके सैमसंग के लो फोन। सॉरी फॉर द विंड नॉइज, हवा तेज है। क्या कहना चाहेंगे आप? खुश हैं आप? मैं खुश हूँ, बट जब तू कहा ना बकवास तब खुश नहीं। नहीं नहीं, सच सच तो कड़वा ही होता है। अच्छा सच कोई करवा चौथ का गिफ्ट तो नहीं है, मैं मुझे अपने लिए खरीदना था। अच्छा ये बेटे करवा चौथ का ही व्रत है। इससे पहले क्यों नहीं फिर मिले अच्छे अच्छे गिफ्ट? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो यार चलो हर साल ऐसे पूरे सिंगापुर में ना ये फोन अवेलेबल। तो यार यहाँ पर ना पूरे सिंगापुर में कहीं पे भी मिल नहीं रहा है इस टाइम पे फोन। तो हमने गूगल करा, कम से कम 7-8 फोन वालों को फोन करा, सब कईयों ने कुछ ने उठाया नहीं, कुछ ने सीधा कहते हैं स्टॉक ही नहीं है। एप्पल के पास था बट महंगा, इससे ज्यादा महंगा। हाँ एप्पल के पास किसके पास था? नहीं 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 था ही नहीं। अच्छा एप्पल के किसी भी स्टोर में नहीं है, और वो कह रहे हैं वो भी सिर्फ आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा जो कि आफ्टर 4 नवंबर डिलीवर होगा। मैंने मेरे बर्थडे के टाइम। हाँ तो इसलिए वो तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं। फिर हमने एक मोबाइल स्टोर पे करा पता, बाई चांस मिल गया हमें। एंड सच बताऊँ तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह हमें पे नहीं करनी पड़ी। हमें लगा, मुझे लगा था कि शायद होगा बहुत ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली करेगा क्योंकि मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली जिसके पास मिलता है तो वो पैसे ज़्यादा लेता है। अब तो हम चलो कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमें बुगी स्ट्रीट अभी हमें बुगी स्ट्रीट जाना है, वहाँ से लिटिल इंडिया जाएंगे मंदिर फोन, टेक में। फोन ले लिया तो उसका वो भी तो चाहिए कवर। कवर सस्ता लेंगे, महंगा फोन लेंगे, कवर सस्ता लेंगे। कवर, पॉप सॉकेट,
क्योंकि ब्लॉग उससे ही ब्लॉग तो करना है, वो सस्ता लेंगे है ना, उसके लिए हम भटकेंगे। सही बात है। एक्चुअली यहाँ पर ना पॉप सॉकेट था नहीं और हमें चाहिए था पॉप सॉकेट और बंदे ने उस पे स्क्रीन गार्ड। हाँ यार, हमने स्क्रीन गार्ड लिया है उससे। यार ये एक जरा सा कचरा आ गया, मतलब इतना छोटा सा बबल आ गया। हम अपने वहाँ आ जाए, कह रहे यार इतना तो आएगा ही जी। उस बंदे ने ना भाई साहब एड़ी 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 चोटी का जोर लगा के ना पूरा निकाला है उसने। ना वो वाला टेम्पर्ड ग्लास वेस्ट करा, ना उसने कुछ ऐसे कहा कि आप ले लो। उस बंदे ने जब तक पूरा पूरा बबल ना निकल जाए ना तसल्ली से, उस बंदे ने हमारे हाथ में दिया नहीं, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन करके। ये मस्त था, फालतू बात नहीं। महेश भाई बुगी स्ट्रीट आए थे। इधर बहुत सारी है ऐसी ना स्ट्रीट शॉपिंग है इधर की, फ्ली एक टाइप की समझ लो, और बहुत है इसमें। सॉरी पीछे शो हो रहा है यार, किसने गाने लगा रखे हैं। तो यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए मिल जाएगा, लड़कियों का ऑब्वियसली ज़्यादा है, और इधर कपड़े एक्सेसरीज मतलब ये सब है। बार्गेनिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी सबका अपने अपने पे डिपेंड है कौन कितनी करवा पाता है। तो एक मैं जैसे ऑप्शन बता, एक ऐसे रेफरेंस के लिए बताया था, एक $35 की खुशबू ने ड्रेस ली जो कि हमें बार्गेन करके 28 की ही मिली, वो उससे नीचे नहीं आई। तो हर कोई ट्राई कर सकता है, किसी को शायद करा ले। अच्छी मार्केट है, हम जब पहले भी आए थे 14 में तभी भी इधर हम आए थे बुगी स्ट्रीट, और खुशबू ने यहाँ से काफ़ी एक्सेसरीज ली थी। एंड फ्रैंकली बताऊँ, खुशबू ने कुछ ईयरिंग्स लिए थे उस टाइम पे जो वो आज तक पहनती है, और वो काले नहीं पड़े, तो मतलब क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ अभी तक मिल नहीं रहा। हाँ, अभी तक ईयरिंग्स नहीं मिले इसको अभी। अरे इधर और बड़ी सारी गलियाँ हैं यार, इधर बड़ी सारी गली हैं, ऐसे ऐसे ना गलियाँ बहुत सारी हैं इधर, तो इधर अच्छा मिल सकता है। और आईफोन के लिए कवर भी लेना है, टेम्पर ग्लास तो लगवा लिया, कवर एक लेना यहाँ से, यहाँ पे बहुत है, तो एक कवर ले लेंगे किससे। यहाँ पर ये आने की पूरा रश है। पूरा क्राउड लगता है यहाँ पर आने का, तो हमें बस जल्दी मिल गया, हमें 5 मिनट में जगह मिल गई थी, तो वो अच्छा है। तो ये लिटिल इंडिया की स्ट्रीट है। तो दिवाली की जैसे जो है ना डेकोरेशन जो दिख रही है, दिवाली की डेकोरेशन है ये। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है यहाँ पर लिटिल इंडिया में, जो अभी हमने देखा। और वहाँ पे ये फ़ायदा है कि कल ये स्पेशली कर रहे हैं करवा चौथ का व्रत का, तो कल करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ इन सिंगापुर होने वाला है कल, तो ठीक है। जब यहाँ कुछ पर मन से आपका होता है ना, आपको एक एक चीज मिल जाती है, ये एक है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं तो सोचा रूम पे ही बैठी रहूंगी, क्या ही करूंगी, रूम पे ही पूजा कर लूंगी, जबकि गुजरात में नहीं हुआ था, यहाँ। और आपको जो भी सामान चाहिए, जो भी चाहिए, तो इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूजा रिलेटेड एवरीथिंग, मतलब ये लिटिल इंडिया में तो देखो है ही है ना, सब कुछ यहाँ मिल ही जाएगा। सो वी केम बैक बाय 9 o'clock, और आके हमने अभी कुछ नहीं खाया, बिकॉज तभी का हमने वो कोमल विलास से खाया हुआ था, तो पेट भरा ही हुआ था। आके हमने कॉफ़ी पी ली, बिकॉज आज रात को हम मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से सोने नहीं वाले, तो अराउंड 4:30 मतलब सनराइज देख लेंगे क्या टाइम है, लगभग 5 बजे जो है हम सरगी खाएंगे, तो कल का ब्लॉग जरूर देख। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे चलो, तो सरगी खाएंगे, तो कल का ब्लॉग जरूर देखना कि हमने कैसे सिंगापुर में
करवा चौथ का व्रत। वैसे हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत नया एक्सपीरियंस है। हाँ। हमने जाके मंदिर में पूछ के आए सब कुछ। हाँ। तो ये बहुत ही वो डाला है ना, जैसे वो जरा सी क्लिप डाली है कि मंदिर का दिखाया है, तो वहाँ पे भी करवा चौथ की पूजा वगैरह नहीं, हमें भी नहीं पता अभी यहाँ पे क्या हिसाब है, कल ही पता चलेगा। और हमने क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने खाने के लिए सर्गी के टाइम पे और सब, ये आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, तो वो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा और उम्मीद है हमारा भी अच्छा जाएगा। तो चलो देखते हैं, अभी के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा आज का सिंगापुर डे वन नहीं था, तो हमने एक तो जो सोचा हुआ था, सच बताऊँ तो आईफोन खरीदना था, बहुत टाइम से सोचा हुआ था, तो वो हमने आज खरीद लिया सबसे पहले दिन। आज के डेट का सोचा, हाँ मतलब 12 अक्टूबर का हमने सोचा हुआ था कि हम आके मतलब खरीद लें। तो मैंने आके सेटअप वेटअप सब कर दिया है, हमने कवर भी एक ले लिया है, इसमें ऐसे पीछे ना रिंग वाला लिया है एक, वैसे बड़ा अच्छा केस मिल गया गोल्डन कलर का, लेकिन उसके लिए खुशबू को पॉप सॉकेट साथ में चाहिए ही रहता है, तो पॉप सॉकेट यहाँ अच्छा नहीं मिला, तो वहाँ से मैं अमेजोन से एक मंगा दूंगा, अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा उसकी लाइफ रहती है। तो ये है कि ये ऐसा रिंग केस देखो, मैंने इसमें जैसे हाथ पकड़ा तो गिरेगा नहीं ना अपना, तो ये पूरा सेटअप हो चुका है फ़ोन, एंड खुशबू को पूरा यूज़ करना भी चालू कर देगी। तो इसीलिए था कि थोड़ा सा व्लॉग वगैरह भी हम करें, अगर कुछ फ़ोन से वीडियोज़ बनाए फ़ोटोज़ खींचें तो वो हमारी फिर और बेटर है, तो ये भी एक रीज़न था। और यही था हमें कि सबसे पहले आईफोन खरीदना है सिंगापुर आकर, हमने वो ले लिया, वो मेजर हमारा था, उसके साथ साथ हमने थोड़ी चीज़ें जो घूम ली वो भी घूम ली। तो चलो कल का दिन अब देखेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।